हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसिफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 8, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू है और जो लोग मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा वीडियोस तुम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार देना। ठीक है, तो आज मैंने पहले कहा था आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है, मतलब उसका कॉज क्या है, वो क्यों, मतलब क्या काम करता है, क्यों क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। लास्ट 7 वीडियोस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे हम लोगों ने देखा है। तो आज चलो पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। और वीडियो में कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, या कोई भी दिक्कत आने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या कॉमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो वीडियो के नीचे। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों के हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का पार्ट 8, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में तो हर किसी को पता ही है कि फ्रिक्शन क्या है। हम लोगों ने नीचे क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 9 में भी पढ़ा है और नीचे में भी पढ़ा है। फ्रिक्शन के बारे में तो सबको ही पता है फ्रिक्शन क्या होता है। एक रिटर्निंग फोर्स होता है जो हमेशा हम लोगों को तकलीफ देता है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन कभी कभी हम लोगों के लिए अच्छा के भी काम करते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, मान लो ये दो सरफेस है, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। ठीक है, इस पे हम लोगों ने थोड़ा ऑयल डाल दिया और ये जैसा है वैसा ही है। नॉर्मल सरफेस मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ या फ्लोर या कुछ भी, मान लो सीमेंट का कोई फ्लोर है। तो यहां पर हम लोगों ने ऑयल डाल दिया, तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी आदमी इसके ऊपर से पैदल चलने के लिए कोशिश करे तो क्या होगा, वो यहां पर स्लिप होके गिर जाएगा। ऑयल के यहां पर स्लिप होके कोई भी बंदा पैदल चलने की कोशिश करने से स्लिप होके गिर जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, वो आराम से पैदल चल पाएगा। क्योंकि वाइफ, क्योंकि इसका जो पैर है, पैर में ये दिस फ्लोर इज, ये फ्लोर क्या करता है, एनफ हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स गिव करता है, मतलब देता है ताकि हम लोग आराम से चल सके। लेकिन यहाँ पर ऑयल होने से जो हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होने से क्या होता है, हम लोग को एनफ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग चल पा रहे हैं। और एक बात देखो, मान लो कि एक फैन है, या मान लो ये एक फैन है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके घूमता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये थोड़ी देर बाद में रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होके रेस्ट में आ जाता है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तब क्या होता, हम लोगों को एक बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से यहाँ हमेशा घूमता रहता। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता, क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होता तो हम लोगों के जो बहुत फायदा होता। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होने से हम लोगों का फायदा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होने से हम लोगों के लिए लॉस है। कोई भी, मान लो कोई भी मशीन, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होने से हम लोगों के लिए लॉस ही होता है। इसलिए हम कभी कभी क्या यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, मोबिल यूज करते हैं, फिर कभी कभी ऑयल यूज करते हैं, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लोगों के लिए, मतलब जब हम कोई चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो मतलब ऑपोजिट में हम लोगों को फोर्स अप्लाई होता है उसी को ही फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अभी मैं लिख देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन, तुम लोग भी कॉपी कर लो। क्वेश्चन,
What is fictional course? Explain it with example. What is fictional? What is fictional course? What is fictional course? Explain it with an example. Explain it with an example. What is fictional course? Explain with explain it with an example. मैं definition लिख देता हूँ कि fictional course क्या है. Whenever a body moves or tends to move over a whenever a body moves or tends to move, ठीक है, tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, comma, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, which act parallel to the surface of contact, ठीक है, and oppose the relative motion, ठीक है. This opposing force is called friction. कॉपी कर लो अच्छी तरह से. मैं बोल देता हूं ये क्या है. Whenever a body moves or tends to move, मतलब कभी भी कोई बॉडी जब किसी सर्फिस के ऊपर से मूव होने की कोशिश करता है या मूव होता है ओवर द सर्फिस ऑफ अनदर बॉडी. मान लो ये एक बॉडी है, बड़ा सा बॉडी, इसके ऊपर और एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो स्मॉल है. ये जब यहां से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो ये मूव करेगा, अगर फोर्स कम हुआ तो ये मूव नहीं करेगा. मतलब इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. मान लो ये 200 केजी है और हम लोगों का फोर्स कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 न्यूटन जैसा होगा. तो 200 केजी तो हम लोग हिला नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इसको टेंस टू मूव, मतलब मूव करने की कोशिश करते हैं. तो ए फोर्स कम इन टू प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सर्फिस ऑफ कॉन्टेक्ट. तो सर्फिस ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, ये वाला है सर्फिस ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस पार्ट, ठीक है, जो दिस पार्ट पे काम करेगा पैरेलल वे से एंड ऑपोज द रिलेटिव मोशन. तो इसका अगर मोशन इस तरफ होना चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा, काम करेगा जो इसका मोशन को ऑपोज करेगा. मतलब जितना मोशन इसको इस तरफ होना चाहिए उतना मोशन वो होने नहीं देगा, उसको ऑपोज करेगा, वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स. तो जनरली हम जिस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो तुम इस तरफ फोर्स अप्लाई करें तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन पे, या मान लो इस तरफ फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने तो फ्रिक्शनल फोर्स काम होगा उल्टी डायरेक्शन पे, ठीक है. यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. तो अगर इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं एग्जांपल. यहां पर फिगर ड्रॉ कर लो थोड़ा, इस तरफ फोर्स अप्लाई करना है हम लोग, डायरेक्शन ऑफ
मोशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होता है, इस तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इस तरफ, ठीक है, उल्टी तरफ। चलो लिख लेते हैं, अभी ये सब फिगर देना है। कंसीडर ए वुडन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, कंसीडर ए वुडन ब्लॉक, कंसीडर ए वुडन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए, प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, थोड़ा लिख लो, ज्यादा नहीं लिखा है। Give it a gentle push. Give it a gentle push. मतलब थोड़ा सा इसको धक्का दे। The block slides through a, the block slides through a small distance. स्मॉल डिस्टेंस गैप, स्मॉल डिस्टेंस एंड देन कम टू रेस्ट, एंड देन कम टू रेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ए रिटर्निंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ए रिटार्डिंग फोर्स मस्ट बी, ए रिटार्डिंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। दिस ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दिस opposing force is called friction. This is the example, more than enough. अगर हम लोग इसको push करते हैं तो ये तो इस तरफ थोड़ा आएगा, आने के बाद ये rest पे चला जाएगा। तो Newton's का जो second law था वो क्या बोला था कि अगर external कोई भी force apply नहीं होता तो रेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, जो मोशन का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में ही रहेगा या फिर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा। तो हम लोगों ने जब इसका मोशन किया है लेकिन ये थोड़ी देर बाद में रेस्ट पे आ गया है, मतलब क्या है इसका, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वही एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग क्या नाम दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स, बस इतना ही है, ठीक है, कॉपी कर लो, मिटा देता हूं। फिर देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, explain the origin of the, explain the origin of the force of friction, explain the origin of the force of friction, इसको कैसे हम लोग explain करेंगे, मैं फिलहाल समझा देता हूं। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसका अपर मोस्ट सरफेस ऐसा है, ठीक है, थोड़ा कर्व है, दो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि ये ले लो,
या फिर डस्टर ले लो या फिर बुक ले लो, तो उसका जो सरफेस होगा वो माइक्रोस्कोपिकली पूरा प्लेन तो नहीं होगा, थोड़ा कर्व होगा। तो ऊपर का और एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं जो ऐसे ही कर्व होगा, ठीक है। ये हो गया दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मतलब प्लेन होने से पूरा ऐसे हो जाना था, लेकिन ये प्लेन नहीं है, थोड़ा कर्व है। जब हम लोग कोई हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इन लोगों का जो मतलब जो मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ पर जो है रेस्ट पे, मान लो ये ब्लॉक है यहाँ पर, जब हम लोग इसको इस जगह को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये थोड़ा कर्व है, जिगजैग है। तो जब हम लोग इसको मोशन में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे तब क्या होगा, जो जिगजैग वाला पार्ट है वो जब इसका जो हाई वाला पार्ट मतलब ऊंचा वाला जो है वो जब इसका नीचे पे आ जाएगा तब नेक्स्ट हिल क्लाइंब होने में उसको थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसके लिए थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जनरेट होता है। अगर पूरा प्लेन होता तो क्या होता, ऐसे स्लिप करके चला जाता, तो हम लोगों को इतना फ्रिक्शनल होने की जरूरत नहीं, मतलब उतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलता। तो देखो एक कॉमन सेंस के बाद, अगर हम लोग कभी कभी फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस करने के लिए क्यों ऑयल डालते हैं या फिर बाइक या गाड़ी में मोबिल क्यों डालते हैं, तो मोबिल या ग्रीस डालने से ये जो मिडल का जो गैप है वो फिलअप हो जाता है। तो फिलअप होने से क्या होता है, पूरा प्लेन हो जाता है, तो एक सर्विस से दूसरा सर्विस इजीली चला जाता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसका थ्योरी थोड़ा लिख लो, इंपॉर्टेंट है इसका थ्योरी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द एटॉमिक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इज ड्यू टू द एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इज एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, एट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिगर शोज टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट एज सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, फिगर शोज, जो मैंने यहां पर फिगर ड्रॉ किया है सिर्फ नीचे वाला दिखाना है, ऊपर का नहीं दिखाना है। यहां पर जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, दिस फिगर शोज टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, एज सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, एज सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ड्यू टू सरफेस इररेगुलरिटीज, ड्यू टू सरफेस इररेगुलरिटीज, इररेगुलरिटीज, ड्यू टू सरफेस इररेगुलरिटीज द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज much
smaller than actual area of contact, much smaller than the apparent area of contact. The apparent area of contact. कैसे? ये जो ऊपर का जो मैंने पहले ही बोला था, जैसे कि ये जिगजैग है, तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था? पूरा ऐसा था, ऐसा होना था, पूरा क्लीन. लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके टच किया है और मिडल का बहुत जो एरिया है वो ऐसे ब्लैंक है. तो इसका जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बहुत कम है अपीयरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है. The pressure at the point of contact is very large. The pressure at the point of contact is very large. Molecular bonds are formed at this point. Molecular bonds is formed at this point. मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा. When one body is pulled over the other, the bond breaks. When one body is pulled over the another, molecular bonds are breaks. ठीक है. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से मतलब जाने की कोशिश करते हैं तो इन लोगों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है. The material is deformed and new bonds are formed. The material is deformed and new bond is formed. ठीक है. The local deformation sends vibration waves into the bodies. ठीक है. These vibrations finally dump out the energy appears as heat, hence a force is needed to start maintain the motion. अच्छा देखो, the force of friction is due to the atomic molecular forces of attraction. मान लो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का जो मैंने पहले ही बोला था, दोनों का जो सरफेस है वो अगर हम लोग कुछ पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इन लोगों का सरफेस कुछ कार्व होगा, जिग-जैग जैसे कार्व होगा, पूरा प्लेन नहीं होगा. तो नहीं होने से जो इन लोगों का जो पूरा वेट है वो कहां पर पड़ेगा? सिर्फ जो जो टच किया है इस पॉइंट पे पड़ेगा, पूरा सरफेस पे नहीं होगा, सिर्फ इस पॉइंट पे, इन सिर्फ इस पॉइंट पे ही पड़ेगा. तो क्या होगा, इस पॉइंट पे पड़ने से एक इन सारे पॉइंट पे प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा. तो बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से इनमें से जो एटॉमिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा. तो बॉन्ड क्रिएट होने से इन लोगों को मतलब और ज्यादा मतलब इन लोगों ने आपस में बॉन्डिंग कर लिया है, तभी इन सब बॉन्डिंग को तोड़ना होगा. तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा फोर्स चाहिए. ठीक है. इसलिए कोई एक फोर्स मतलब चाहिए हम लोगों को जो इन लोगों की बॉन्डिंग को मेंटेन जो हो रहा है, इन लोगों का बॉन्डिंग उसको तोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए. उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस वाइब्रेशन वेव इनटू द बॉडीज. द लोकल डिफॉर्मेशन सेंस वाइब्रेशन waves into the bodies.
These vibrations finally dump out and energy appears as heat. These vibrations finally dumped out and energy appears as heat Hence a force is needed to start or maintain the motion. देखो बिल्कुल क्लियर है, इस मतलब इससे ज्यादा तो और क्लियर कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों इन जो पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ पर बॉन्डिंग क्रिएट होता है, तो हम लोगों को ये बॉन्डिंग तोड़ना होगा इसको मोशन पे लाने के लिए। तो तोड़ने के लिए जो फोर्स है वही होता है अल्टीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स, बस उतना ही है। ठीक है, कॉपी कर लो। अभी जा रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो एग्जाम पे आ सकता है। ये सारा चीज तो वैसे मतलब जानने के लिए फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, कॉन्टेक्ट में कैसा होता है, ऐसा वगैरह वगैरह सिर्फ जानने के लिए है। अभी आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म क्या क्या टर्म एक्सप्लेन करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन कॉमा लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉमा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको पहले ग्राफ में समझा देता हूं, बाद में नोट्स करा दूंगा तुम लोगों को। मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जो एक सर्फिस के ऊपर है, तो इसको हम लोगों को मोशन पे लाना है, तो क्या होगा सोचो। हम लोग क्या करेंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लो हम लोगों ने इस पे एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये मूव करने की कोशिश करेगा लेकिन मूव नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम लोग इसका फोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो कोई एक ऐसा मूवमेंट होगा जहां पर ये इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब वो उस वाला पार्ट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहां से इसका मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। ठीक है, जिस पोजिशन से उसका मूवमेंट शुरू होता है, तो उसका पहले वाला जो जितना फोर्स हम लोग देते हैं, जितना फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देते हैं, वो हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब उसका स्टैटिक के लिए उसको मूवमेंट पे लाने के लिए हम लोग जितना फोर्स वेस्ट करते हैं वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो फोर्स अप्लाई करने से वो मोशन पे आ जाता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर ये मोशन पे आ गया, अभी उतना फोर्स नहीं हम लोगों को देना पड़ता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में चाहिए। सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्स्टेंट फोर्स देने से ये काइनेटिक में चलता है, मतलब ये मोशन पे चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मान लो एक ट्रक जब मतलब ऐसे रेस्ट पे होता है, तब क्या होता है, हम लोगों को उसको मोशन पे लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत लोगों की मेहनत करने पड़ते हैं, इसको पीछे धक्का देना पड़ता है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर इसके पीछे धक्का देना पड़ता है। तो जब ये ट्रक एक बार मोशन पे आ जाते हैं, तब उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता इसको
मतलब कांस्टेंट मोशन पे रखने के लिए, जितना पहले इसको मोशन पे लाने के लिए हम लोगों को देना पड़ता है। तो जो फोर्स हम लोगों ने पहले मतलब दिया है उसको मोशन पे लाने के लिए, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जिस फोर्स के बाद वो मोशन पे आते हैं इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मोशन पे आने के बाद इसका मोशन जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए जितना फोर्स देना पड़ता है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो दिखा देता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। नोट्स पर लो, स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले, व्हिच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर, बिटवीन टू बॉडीज बिफोर एक्चुअली स्टार्ट मूविंग, मैंने पहले ही बोला था एक्चुअली स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर, ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ एस। फिर आते हैं कहां पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको भी लिख लो। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस मैक्स दे दो। ठीक है, which comes into play when a body, which comes into play when a body, which comes into play when a body just starts moving over the surface of, just start moving over a surface of another body, ठीक है, over the surface of another body is called limiting friction, surface of another body is called limiting फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया। अभी देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, ये भी मैंने पहले बोला था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टेडी मोशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले, व्हिच कम्स इनटू
play when a body is when a body is in state of steady motion is in state of steady motion over the surface of another body over the surface of another body is called kinetic or dynamic friction is called kinetic or dynamic friction. इसको डिनोट करते हैं एफ के. ठीक है, तो समझ में आ गए. तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ये थोड़ा ड्रॉ कर लो. जब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हम इस तरह होता है फ्रिक्शन एफ, तो हम लोग जब ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब ऐसा होता है फिर ऐसा होता है. ठीक है, तो जो ये है इस वाला पार्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो थोड़ा ज्यादा होता है एफ एस. फिर ऊंचा वाला पार्ट जो होता है वो होता है हम लोगों के लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, ये पार्ट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर जो होता है कांस्टेंट वाला वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जब हम लोग कोई ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करने के बाद हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में जब क्रॉस कर लेते हैं इसको तो ये मोशन पे आ जाता है. तो मोशन पे आ जाने के बाद हम लोग को थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसका मोशन को कांस्टेंट रखने के लिए. ठीक है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह. ठीक है, जब ग्राफ का क्वेश्चन अगर लिख सकते हो तो लिख लो क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स, विद द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स. तब इसको ड्रॉ करके दिखाना है तुम लोगों को. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो. मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे. फिर हम लोग आएंगे अभी लॉस पे. स्टैटिक फ्रिक्शन का भी लॉस है, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी लॉस है और लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी लॉस है. तो हम लोग को सारे लॉस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो आ तो सकते हैं, तो सारे लॉस देखते हैं अभी. स्टेट द लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्वेश्चन, स्टेट द लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेट द लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, ये लॉस सारे अच्छी तरह से पढ़ना है. तो लॉस में फिलहाल डायरेक्ट लिखा देता हूं,
लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत सारे बुक्स पे बहुत सारे लॉस दिया हुआ है, मतलब सेम लॉस को ही पॉइंट पे डिवाइड करके 5, 6, 7, 8 जितना पॉइंट पे चाहे डिवाइड करके उन लोगों ने दिया है। तो मैं एसएलआर से लिख रहा हूं, तो यहां पर 4 लॉ दिया है, चलो देखते हैं क्या क्या लॉ है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड टू ऑबे द फॉलोइंग लॉस। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड टू ऑबे फॉलोइंग लॉस, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड टू ऑबे द फॉलोइंग लॉस। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नीचे का सारे लॉ फॉलो करता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फिस, द लिमिटिंग, कॉपी कर लो अच्छी तरह से, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फिस, नेचर ऑफ द सर्फिस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ द सर्फिस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश मीन्स दो सर्फिस ले लो, ये दोनों कितना पॉलिश किया हुआ है इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर पूरा ज्यादा पॉलिश किया हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि ये स्लिप कर जाएगा। अगर पॉलिश नहीं किया हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, दो नंबर, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्स टेंजेंशियल, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्स टेंजेंशियल, एक्स टेंजेंशियल टू द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, टू द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, टू द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट एंड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड इन डायरेक्शन, एंड इन डायरेक्शन टू द ऑपोजिट, एंड इन डायरेक्शन टू द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, थर्ड, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सर्फिस इन कॉन्टेक्ट, द एरिया ऑफ सर्फिस इन कॉन्टेक्ट, द एरिया ऑफ सर्फिस इन कॉन्टेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन, एज द नॉर्मल रिएक्शन, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम।
रिमेन्स द सेम। फिर आते हैं फोर्थ वाला में, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। बस इतना ही, बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, दैट इज जो हम लोगों का एफ एस मैक्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, और प्रोपोर्शनल टू साइन उठाने के लिए, हटाने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट देना पड़ता है, यहां पर देते हैं हम लोग म्यू, स्टेटिक मीन्स एस, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इक्वल टू एफ एस मैक्स बाई आर, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है म्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। पहला जो लॉ है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट्स ऑफ पॉलिश। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मान लो ये यहां पर कुछ ऐसे ऐसे करके हैं और यहां पर कुछ ऐसे ऐसे करके हैं, तो इन दोनों का बीच का जो है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है। मतलब मान लो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आयरन से हो तो स्लिप करने के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आयरन में बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा इन लोग जब बॉन्ड करेंगे। अगर रबर पर हो तो थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, तो इसलिए नेचर ऑफ द सर्फेस के ऊपर डिपेंड होता है। फिर देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, अगर ये लोग अच्छी तरह से पॉलिश किया हो तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर पॉलिश कम किया हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्स टेंजेंशियल टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो इसको जूम करके दिखाने से ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, फिर इसको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इन लोगों का टेंजेंशियल कौन सा है, ऐसा, तो वो टेंजेंट के बराबर एक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर ये इसको, इस ब्लॉक को हम लोग इस तरफ हटाने की कोशिश करें, मतलब मोशन देने की इस तरफ कोशिश करें, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा, इसलिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट द एरिया ऑफ सरफेस, ये एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, क्योंकि छोटा वाला एरिया हो या बड़ा वाला एरिया, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेम रहता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस, जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक मास रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है m का, तो इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ काम करेगा और ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो मास है ये नीचे की तरफ एक फोर्स, मतलब एक्शन दे रहे हैं, तो जो ये सरफेस है ये ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा, वही होता है हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो इसलिए एफएस प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से हम लोग म्यू का डेफिनेशन मिल जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वही होता है हम लोगों का म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी मैं लिख देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बात पूछा था कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो
the proportionality, the proportionality constant mu s, constant mu s is called coefficient of static friction, is called coefficient of static friction. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, बस इतना ही काफी है. ठीक है, कॉपी कर लो. चलो ठीक, मिटा देता हूं. तो आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. अभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखा दिया है और कुछ रोलिंग फ्रिक्शन बोल के भी एक तो चीज है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा. तो इतना तक अभी पढ़ लो और अच्छी तरह से पढ़ो, और डाउट होने से कमेंट बॉक्स में बोलो, नहीं तो मैसेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.